खुशबू तो बड़े जोरों शोर से आ रही है। ओए होए गाइस, हमारी झटपट चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। मजेदार होंगे, शानदार होंगे गाइस। और आज का ब्लॉग जो होगा ना बहुत ही मजेदार टेस्टी जाने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगी। सो अगर मेरे चैनल का मेरे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके जी गाइस, आज का जो मेन्यू है ना वो है चिकन कढ़ाई। तो गाइस आप लोग के साथ मैं अपनी मजेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स गो इन किचन विद मी एंड चेक व्हाट आई एम कुकिंग टुडे एंड व्हाट इंग्रेडिएंट्स आई एम एडिंग इन द चिकन कढ़ाई। लेट्स गो। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ओके जी हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। अब हम जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन चुटकी बराबर, थोड़ा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी। और जो है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, नमक, ठीक है, और अपना काली मिर्च, किसी भी काली मिर्च दे देंगे, ठीक है। यहाँ है ना थोड़ा भून के और हल्की आंच पे 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये जो है ना हाफ कुक हो जाए, ठीक है। ये हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, मतलब हमें सब्जी की टेस्ट स्टाइल से। ओके जी, हम बनाएंगे टमाटर की प्यूरी। 15 मिनट्स लेटर, आफ्टर 10 मिनट्स गाइस, फेस देखिए, फेस कह रही, इसका शक्ल देखिए, लुक्स देखिए, देखिए कलर्स का चेंज हो चुका है। अब क्या करना है हमें, हमें अब करना है इसको सेपरेट, हमें इसको देखते से निकाल के बाउल में डालना है, ताकि हमारी टोमेटो प्यूरी जो है ना, जो हमने अभी ग्राइंड की है, वो इसमें डाल सकें। ये देखें गाइस, हमने जो है ना इसको अलग बाउल में निकाल दिया है। ये गाइस अब जो है हमारा टोमेटो प्यूरी ऑलरेडी ऑयल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। इसको थोड़ा फैलाते हैं, फिर इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, करके ये देखें इसमें जो है ना खोलाना रोकते हैं, बाढ़ जैसे कहते हैं। अब हम इसमें जो है ना मसाला ऐड करेंगे, कढ़ाई का मसाला, ठीक है। हमने जो है ना मसाला ऐड कर दिया, आप चाहें तो नेशनल शान और जे डॉट यानी कि जिले के हमसे इसके मसाले इतने आप सकते हैं, कोई से भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन 10 मिनट्स तक फिर पकाते हैं। A little longer than a few minutes later. अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन मसाला, भी पक चुका है, चिकन डाल देंगे इसमें, ताकि जो हाफ कुक थी ना इसमें जाके फुल कुक हो जाए। इसमें हम इसको और पकाएंगे, इसको रख के रखें। 20 minutes late. Okay guys, अब हम जो इसमें हरा मसाला ऐड करने जा रहे हैं, हमने हरी मिर्चे, अदरक और जो है हरा धनिया, अदरक तो हम इन द एंड वी विल कट, अभी फिलहाल हम जो है ना हरी मिर्चे डालेंगे इसमें, ठीक है, ये डालेंगे। हमने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और अब हम ऐड करेंगे गाइस कस्तूरी मेथी। ये हम इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी छिड़केंगे, और अब हम जो है इसको हल्की आंच पे
ढक के रख देंगे ताकि इसके अंदर मज़े से जो है ना खुशबू आ जाए। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए। खुशबू तो बड़े ज़ोरों शोर से आ रही है। ओए होए गाइस, हमारी झटपट चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है, अभी जा रही है हमारे पेट में। ओके गाइस, उसको फटाफट उतारते हैं। और ये हमारी मज़ेदार झटपट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है गाइस। सो गाइस, इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपने आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। होप सो मेरी आज की रेसिपी झटपट चिकन कढ़ाई आप लोगों को समझ में आई होगी और इजी लगी होगी। और आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है और टेस्ट कैसा है। अच्छी थी नहीं अच्छी थी, पास हुई नहीं हुई। बहरहाल जो है, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। लेकिन वेट, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर यमी डिशियस रेसिपीज़ के लिए। सो सी यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।